मैं अपनी दरख्वास्त लेकर आई हूँ NIC के हवाले से कि लिहाजा मेरा NIC मेरी मदद करे कि मेरा NIC बन जाए, क्योंकि मुझे अपनी शनाख्त चाहिए। मैं जगह जाती हूँ, मेरी शनाख्त मांगते हैं। किस वजह से आपका NIC नहीं बन रहा, क्या मसाइल है, नादरा क्या कह रहा है? मेरे वालिद साहब की वजह से मेरा NIC नहीं बन रहा। मेरे वालिद साहब ने बचपन में छोड़ दिया था, मेरी अम्मी को डिवोर्स दे दी थी, और जब से ना मेरा कोई उनका रब्ता है, ना उनका कोई मुझसे रब्ता है, ना उन्होंने मुझे देखा है, ना मैंने उन्हें देखा है। अब वो नादरा वाले शनाख्त मांग रहे हैं कि अपने वालिद साहब को लेकर आओ या कोई सरबरा लेकर आओ। मेरे पास ऐसा कोई सरबरा नहीं है, ना वालिद साहब हैं कि जो मैं उनके पास लेके जाऊँ। मैंने उनसे इल्तिजा ये भी की कि आप कोई डेटा निकाल के दे दें ताकि मैं मेरे को उनको ढूंढने में मेरी मदद हो जाए, तो उन्होंने बोला हम ऐसा नहीं कर सकते। लिहाजा मैं इसी वजह से आई हूँ कि मेरी मदद की जाए कि मैं अपनी शनाख्त ले सकूँ। अच्छा, ये बताएं कि आपके पास वालिद साहब के NIC मौजूद है? जी हाँ, वालिद साहब की NIC मौजूद है। वो मैंने किसी से ली थी, वो भी बहुत मुश्किलों से आई थी मेरे पास, तो जब से मैंने बड़ी संभाल के रखी हुई थी। पहले नादरा वालों ने ये कहा था कि अपने वालिद साहब की NIC लेकर आ जाओ, आपका NIC बन जाएगा। मैं वो लेके गई तो उन्होंने बोला कि नहीं, इस पर कंप्यूटर पर शो नहीं हो रहा, और है ना क्या ना, मैं आप वालिद साहब को लेकर आओ या कोई सरबरा उनका। मेरी इंतजा ये बिलावल साहब से, इमरान खान साहब से, शेख रशीद साहब से, इस मुल्क के सरबरा से के लिहाजा मेरी मदद की जाए, मुझे मेरी शनाख्त दी जाए, क्योंकि मेरी अम्मी रिटायरमेंट हो चुकी है। वो केएमसी में काम करती थी, वो रिटायर हो चुकी हैं। जाहिर सी बात है, वो मेरा कोई अपना कोई बहन भाई नहीं है। अब वो रिटायर हुई हैं तो अपनी पेंशन या कुछ मेरे नाम पे करेंगी, तो वो किस शनाख्त पे करेंगी? हर इंसान शनाख्त मांगेगा कि ये आपकी बेटी है तो आपके पास इसकी शनाख्त क्यों नहीं है? तो इसके लिए लिहाजा मुझे अपना NIC ज़रूरी है, और अपनी अम्मी के रिटायरमेंट के बाद मुझे अपनी जॉब के लिए भी अप्लाई करना है, ताकि मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजर बुजर सही तरीके से कर सकूँ, क्योंकि वाहिद मेरी माँ के अलावा मेरा सहारा कोई नहीं है। अब खुदा ना करे मैं पहले मर जाऊँ या मेरी माँ पहले, अल्लाह ना करे उसको कभी कुछ हो, लेकिन पीछे के नहीं है तो मेरी माँ को मेरे लिए कुछ करना है ना, क्योंकि मैं अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती। लेकिन इतनी सलाहियत है मुझ में कि मैं मेहनत मजदूरी करके अपना बोझ उठा सकती हूँ। मेहरबानी होगी आपकी। बताइए क्या मामला है ये, और ये अदालत क्यों आई है? जी, असल में इनका मसला ये है कि ये इनका NIC नहीं बन रहा है, और इसका रीज़न ये है कि जो इनके वालिद साहब थे, उन्होंने जो है डाइवोर्स दे दी थी अपनी जो है वाइफ को, इनकी वालदा को, और उस डाइवोर्स के बाद जो है इनसे कुछ तरह का रब्ता नहीं रह सका, और कॉन्टेक्ट हुआ भी तो उन्होंने, चूँकि ये डिसेबल हैं, माजूर हैं, तो बाप ने जो है वो इनको एडॉप्ट करने से या इनकी जो परवरिश के हवाले से जो लातालुकी जो ज़ाहिर की। और अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो है ये पाकिस्तान में पैदा हुई हैं, पाकिस्तान के अंदर जो है इनके पूरे सारे डॉक्यूमेंट मौजूद हैं, इनकी वालदा जो है वो जॉब करती रही हैं KMC की, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय रही हैं, उसके बावजूद भी जो है नादरा NIC जारी नहीं कर रहा है। तो इसमें असल में जो अहम बात है वो ये कि नादरा का जो मैकेनिज़म है या नादरा का जो पूरा सिस्टम है, उसके अंदर उसको रिव्यू की इसलिए ज़रूरत है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो इसी तरह के मसाइल का शिकार होते हैं, तो उसके लिए कोई भी प्रोविज़न मौजूद नहीं है कि वो किस तरीके से, हालांकि जो बाप का NIC भी इनके पास मौजूद है, उसकी कॉपी जो है वो मतलब दी जा रही है, वालदा का भी NIC मौजूद है, उसके बावजूद भी जो है शनाख्ती कार्ड जारी नहीं किया।